हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? यह पार्ट नंबर 90 होगा। इससे पहले पार्ट नंबर 89 तक हमने पढ़ा रखा है और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। यदि आपके 12 टेंस नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा टेंस क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका सूत्र क्या, अर्थात स्ट्रक्चर क्या, और उस पर कुछ उदाहरण समझने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और यहाँ पर हेडिंग हमने लगाया नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम, अर्थात नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम अर्थात स्ट्रक्चर क्या है, पहले समझते हैं। तो यहाँ पर सूत्र मैंने लिखा है, सर्वप्रथम कर्ता लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल का प्रयोग जब कर्ता आई और वी होगा तो वहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के लिए मैंने बताया था विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नॉट लिखेंगे, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद मुख क्रिया और मुख क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कर्म लिखेंगे, अन्य बातें प्लस सिंस या फार प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सूत्र है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, जो सूत्र है आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। उदाहरण नंबर हमने पहला लिया है, हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उदाहरण क्या है ध्यान से देखिएगा, हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। इस पूरे वाक्य में कर्ता ढूंढना है तो आप कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है वही कर्ता कहलाता है। कौन तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, हम ना 2 घंटों से, तो मतलब हम क्या हुआ, कर्ता हुआ। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कर्ता है। सबसे पहले सूत्र में कर्ता होता है ना, तो कर्ता यहाँ पर वी हो जाएगा, वी। इसके बाद सहायक क्रिया विल लगेगा कि शैल, मैंने बताया था शैल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो शैल होगा, वी शैल। इसके बाद नहीं है इसमें तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद नंबर हैव बीन का आता है, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। इसके बाद क्या दोस्तों, मुख क्रिया एम वी, मतलब मुख क्रिया मेन वर्ब, तो मुख क्रिया इसमें क्या है दोस्तों, याद रखना वेटिंग, प्रतीक्षा करने वाला वे, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी, वेटिंग हो जाएगा, ठीक है, वेटिंग। और तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा बात करा रहे, तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर फ्रेंड्स, एफ आर आई एन डी एस, फ्रेंड्स। अब इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 घंटों से है तो 2 घंटों से की जो अंग्रेजी होती है वो फार टू डेज होगी दोस्तों, फार टू आवर्स, फार टू आवर्स, टू आवर्स, एच ओ यू आर एस, फार टू आवर्स, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2 घंटों से, तो इस यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सूत्र में लिखा ना सिंस या फार, तो यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया, हम 2 घंटों से तुम्हारे मित्रों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी बनेगी वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर टू हावर्स, फॉर टू हावर्स, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर उदाहरण नंबर आपको दूसरा बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, गीता कल शाम से नहीं सो रही होगी। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, गीता कल शाम से नहीं सो रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गीता का अंग्रेजी लिखेंगे, तो गीता क्या होगा, गीता हो जाएगा। अब दोस्तों कर्ता लिख लिया तो सहायक क्रिया विल या शैल, तो विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव बीन, हैव बीन। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी सूत्र की सहायता से इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। गीता विल नॉट हैव बीन, इसके बाद मुख क्रिया सोना का क्या होगा, स्लीप, एस एल डबल ई पी स्लीप, लेकिन आई एन जी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, स्लीपिंग, समझ वाली बात ना, स्लीपिंग। कल शाम से है तो कल शाम से की जो अंग्रेजी होगी यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, कल शाम से का जो अंग्रेजी है दोस्तों लिखेंगे सिंस टुमारो, क्या लिखेंगे, सिंस टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सिंस टुमारो मॉर्निंग, एम ओ आर
NING मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या बनेगा अंग्रेजी इसका दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। गीता कल शाम से नहीं सो रही होगी, इसका अंग्रेजी बनेगा गीता वी नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, फुल स्टॉप। नहीं शाम से है ना, तो यहाँ पर दोस्तों शाम से है तो क्या लिखेंगे, टुमारो इवनिंग, EVENING इवनिंग, ठीक। तो इसका अंग्रेजी क्या बनाइएगा, गीता कल शाम से नहीं सो रही होगी, इसकी अंग्रेजी बनाइएगा दोस्तों गीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप तीसरा देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। वाक्य क्या है, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर करता मैं हुआ तो इसकी अंग्रेजी आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है, आई सेल, ठीक, आई सेल। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नॉट। इसके बाद हैव बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैव बीन, क्योंकि सूत्र में हैव बीन दे रखा है। फिर क्या है, नंबर मुख क्रिया का एम बी, तो इसमें पढ़ना का अंग्रेजी का होता है रीड, माने पढ़ना होता है, तो रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो STUDY, ठीक है, क्या लिखें दोस्तों, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखेगा, इतिहास है ना, तो हिस्ट्री क्या लिखेंगे, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। और 36 घंटे तक है दोस्तों, तो फार लगाएंगे, फार 30, THIRTY, 36 हावर, HOURS, हावर्स, HOURS, हावर्स, ठीक है ना, HOURS, ठीक। तो अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर 36 हावर्स, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बताते उदाहरण नंबर कौन सा, चौथा, ठीक है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर चार लेते हैं, ठीक है, उदाहरण नंबर चार देखिएगा। उदाहरण नंबर चार क्या है दोस्तों, यह लड़का 2 घंटे तक अपना पाठ याद नहीं करता रहेगा, यह लड़का 2 घंटे तक अपना पाठ याद नहीं करता रहेगा। इसका अंग्रेजी सबसे पहले बनाना है तो सबसे पहले कर्ता लिखना होगा, तो कर्ता क्या, यह लड़का, तो दिस बॉय लिखें, क्या लिखें दोस्तों, दिस बॉय, ठीक है, दिस बॉय विल, साइक्रे क्या लगेगा, विल हैव, सॉरी नॉट है ना इसमें, नहीं है तो नॉट, विल नॉट हैव बीन, Have been, ठीक है, have been। इसके बाद सूत्र में क्या नंबर आता है, मुख क्रिया का एमबी, तो याद करना, तो लर्न माने याद करना होता है, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, लिखा होगा लर्निंग होगा, LEARNING, लर्निंग। अब दोस्तों अपना पाठ है, तो यह लड़का है, पुरुष है, तो अपना का अंग्रेजी हिज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिज लेसन, LEESON, हिज लेसन, ठीक है, हिज लेसन हो गया। इसके बाद दोस्तों 2 घंटे तक, तो फार 2 आवर्स, क्या लिखेंगे, फार 2 आवर्स, FOR, फार 2 आवर्स, HOURS, फार 2 आवर्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर चौथा जो मैंने आपके बताया, यह लड़का 2 घंटे तक अपना पाठ याद नहीं करता रहेगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, इसकी अंग्रेजी बनेगी, दिस बॉय विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फार 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र अर्थात स्ट्रक्चर है, इसी के मदद से हमने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपके बातें समझ में आ गई होगी। हाँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके क्या सिखाया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अर्थात सूत्र बताया और उस पर कुछ उदाहरण बताया, आपके जरूर समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।